बार 400 पार तो लाने ही, कुछ भी हो जाए बीजेपी की सरकार। इसलिए हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, पूरे देश के लिए किए, हमारे लिए क्या पूरे देश के लिए किए हैं। विपक्ष हर एक चीज़ में अपने, मतलब वो हर एक चीज़ में वो कहते हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, वो सब राजनीति कर रहे हैं, तोड़ने के लिए कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो अगर आप सच्चाई देखेंगे, मोदी जी ने जितने भी वादे अपने पिछले मैनिफेस्टो में लिखे थे वो सारे पूरे किए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती जो देशद्रोही के नारे लगाते हैं, उन लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट बनाकर खड़ा करते हैं। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और मैं जनता से अपील करती हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुने और अपने सोच समझ कर अपने वोट का प्रयोग करें। उज्ज्वल इंडिया और मैं नसीब खान आज आपको लेकर आया हूँ दक्षिणी दिल्ली में, जहाँ पर 25 मई को इलेक्शन होना है और हम जानते हैं जनता से कि किसकी बनेगी सरकार, किसको करेंगे वोट। महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और भी महिला हैं, अपने अपने पद के बारे में बताएंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी 25 मई को इलेक्शन है, बीजेपी की सरकार क्या कहेंगे आप? अब की बार 400 पार तो लाने ही, कुछ भी हो जाए बीजेपी की सरकार। इसलिए हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, पूरे देश के लिए किए, हमारे लिए क्या पूरे देश के लिए किए हैं। हर चीज़ लोन दिए हैं, हर एक चीज़ करते हैं, उसके लिए बता नहीं सकते, क्या बताऊँ आपको, गिनती नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जी निवेदिता तिवारी, मैं पूर्व जिला महामंत्री हूँ महिला मोर्चा दक्षिणी दिल्ली की। 25 मई को इलेक्शन है, क्या लगता है? भाई कोई शक है ही नहीं, सीधी सीधी बात है, मोदी जी जीत रहे हैं और हम इस बार 400 पार करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कहता है 400 नहीं है। विपक्ष बहुत कुछ कह रहा है, वो तो अपने जो वादे किए थे वो भी आज तक पूरे नहीं हुए हैं, तो हमारे वादों पे वो क्या कह सकते हैं? आप जानते हैं कि मोदी जी ने जितने वादे किए हैं सभी वादों को पूरा किया है, ना कोई भेदभाव किया है। विपक्ष हर एक चीज़ में अपने, मतलब वो हर एक चीज़ में वो कहते हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, वो सब राजनीति कर रहे हैं, तोड़ने के लिए कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो अगर आप सच्चाई देखेंगे, मोदी जी ने जितने भी वादे अपने पिछले मैनिफेस्टो में लिखे थे वो सारे पूरे किए, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, हर एक वादों को उन्होंने पूरा किया है। इतना ही नहीं, रेड़ी पटरी के जो लोग हैं उनको लोन देने का भी जो काम किया है वो मोदी जी ने किया है। कोरोना के टाइम पे एक सरकार जो पूरी, आप देख रहे हैं कि पूरा भारत क्या, पूरा पूरी दुनिया जो है उस समय कितना प्रभावित हो रही थी उसकी वजह से। लेकिन भारत में अगर सरकार को इतनी अच्छी तरीके से चलाया है, यहाँ के लोगों को बचाया है, तो मोदी जी ने बचाया है। वैक्सीन ला के, वो भी मुफ्त वैक्सीन लगवा के, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ पे हम, जब मुफ्त की बात नहीं हुई थी तो 1600-1700 की वैक्सीन मिल रही थी, एक गरीब परिवार कहाँ से लगाता। लेकिन कोविडशील्ड जो वैक्सीन लगाई थी, तो अभी ये आंकड़े आ रहे हैं कि वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं जिन्होंने वो वैक्सीन लगवाई है। भैया अभी वो बातें बस आ रही हैं, अभी वो प्रूफ अच्छे तरीके से हुआ नहीं है। और आप जानते हैं कि कोई भी अफवाह हम उसको मानेंगे नहीं, हमारी ये हमें पता है कि उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए मोदी जी ने यहाँ के लोगों को बचाया है। उस समय तो इतने सारे आंकड़े आ रहे थे कि लोग मर रहे थे, लेकिन वहाँ मोदी जी थे जिसकी वजह से हमारे अंदर ये जोश था कि हम जिंदा रहने के लिए कोशिश कर रहे थे। हाँ, क्या कहेंगे आप? वैक्सीनेशन के पहले क्या हार्ट अटैक नहीं होते थे लोगों को? लेकिन ये साबित कर रहे हैं लोग कि विपक्ष कह रहा है कि हार्ट अटैक जो हो रहे हैं वो वैक्सीनेशन की वजह से हो रहे हैं। सर तो आपने दे दिया ना, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष तो कुछ भी बोलता है तो वो तो कुछ भी बोल सकता है। उससे पहले भी हार्ट अटैक होते थे, और मोस्टली क्या कहा जाता है कि लेडीज़ों को हार्ट अटैक नहीं आता, वैक्सीनेशन लेडीज़ों को भी हुआ है ना, तो लेडीज़ों को तो आज भी हार्ट अटैक नहीं आ रहा है ना। तो वो आप अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे ना तो हार्ट अटैक ऑब्वियसली आएगा। अब विपक्ष बोलेगा कि मोदी जी की वैक्सीनेशन से हुआ है, क्योंकि वो कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो अब मरता क्या ना करता, कुछ तो बोलना है ना, तो बोलेंगे। क्या उपलब्धि है अब की बार जीतने के बाद, क्या नई योजनाएं आने? जीतने के बाद नई योजनाएं, एक्चुअली में होता क्या है ना कि अभी भी जो धारा 370 और 3 तलाक मॉमडन्स लेडीज़ के लिए, हमारे लिए ये 33% आरक्षण, ये सब बड़ी मशक्कत से लाए मोदी जी, क्योंकि विपक्ष में बहुत सारे लोग थे काम जो नहीं करने दे रहे हैं। हम लोग का इस बार नारा क्या चल रहा है, अब की बार 400 पार। एग्जैक्टली इसीलिए कि 400 पार का मतलब यही है कि भैया हमें विपक्ष को थोड़ा सा ऐसे। राहुल जी ने साफ कह दिया कि 150 ला के दिखा दीजिए आप। राहुल जी अभी तक लाए कितना है? राहुल जी अभी तक लाए कितना है? राहुल जी तो बोलेंगे, सही बात। तो राहुल जी का तो बोलने का, हम तो पप्पू ही बोलते हैं उनको की बातें तो बच्चों की बातें सुनना बंद कीजिए, बस वही है। क्योंकि हमारा वो जो है ना, तो सच में इस बार 420 का तो आंकड़ा हमें, हमारे बताया हुआ है कि हमारा ऐसे लगभग में आने वाला है,
तो 400 पार तो सॉलिड है। हाँ राहुल जी अगर कर खुश हो रहे हैं तो अभी हो लें, 25-4 तारीख के सब उनका ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। आम आदमी की बात, आम आदमी वो जेल में है फिलहाल तो वो। और दूसरी बात अगर उनके बारे में कहें तो भाई हमने मुगलों को राज करने दिया, हमने अंग्रेज़ों को राज करने दिया, कई घर के दीपक ऐसे थे कि एक ही बच्चा था, उन माओं ने भी भेज दिया था कि बेटा नहीं आज़ादी ज़रूरी है। तो केजरीवाल जैसे रहे ना तो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाना है, क्योंकि ये फ्री जो मुफ्त वाली कहानी है ना इनकी, मुफ्त में लाइट, मुफ्त में पानी, मुफ्त में लेडीज़ों को फ्री ले जाना, इससे आपको भी पता श्रीलंका का हाल मालूम हुआ होगा क्या हो रहा है, अफगानिस्तान का, वर्ल्ड वॉर पे भी कई बार बात आ चुकी है। तो ये सब अगर केजरीवाल रहा ना तो सच में यही हाल होना है। तो हम कुछ करें, वो ज़्यादा वेस्ट है, ये फ्री के चक्कर में ना पड़े। ये आम पब्लिक को इतनी सी बात समझनी हो, बहुत समझ में आ भी गई है लोगों के, काफ़ी हद तक लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। तो केजरीवाल फ्री तो बीजेपी भी राशन दे रही है, राशन दे रही है किन लोग को दे रही है, एक ज़रूरतमंद को दे रही है वो राशन। सभी लोगों के राशन कार्ड बने हैं लगभग, काफ़ी लोगों के राशन कार्ड, राशन कार्ड है उस टाइम पे जिस टाइम पे कब दिया था मोदी जी ने, ये शुरू कब किया था आपको कोविड में, अभी भी दे रही है। मतलब राशन मीन्स क्या होता है आपको, मतलब ऐसे नहीं होता, लाइट और वो सब चीज़ों के मुद्दे अलग हैं और राशन का मुद्दा अलग है। अपने अन्नदान को बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है, ठीक है, अगर वो अन्नदान कर भी रहे ना तो उसमें कोई गलत बात नहीं हो। और एक अरबपति लखपति आदमी ना मोदी जी से राशन फ्री लेने नहीं जा रहा, ज़रूरतमंदों को मिल रहा है वो राशन, और वो मिलना चाहिए क्योंकि भाई नीड है। अब ऐसे ऐसे लोग हैं कि कई लोगों को मैंने देखा घर चल रहे हैं उस राशन से। क्या दिल्ली सरकार भी फ्री राशन दे रही थी लेकिन आज तक लोगों को मिला नहीं। आप जानते हैं कोविड के टाइम पे गोदाम में वो सड़ चुके थे लेकिन लोगों में बटा नहीं, ये बहुत ही दुख की बात थी कि उस समय जब ज़रूरत थी लोगों को तब भी वो राशन नहीं मिले, जबकि मोदी सरकार के राशन तो अभी तक दिए जा रहे हैं। आज जैसे कि वहाँ से मैसेज आया और इतने शॉर्ट नोटिस पर वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुँचे, उन्होंने रंग को लेकर के टिप्पणी की, तो उस पर भी जैसे हमारा एक नारा है, यह मतलब है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस को, तो कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रही थी, क्या उन्होंने किया, कुछ किया? अब तो उल्टे सीधे वादे कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, उन्होंने कैसे कैसे वो कि उस पर भी हमने जो है प्रदर्शन किया था, उन्होंने तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी चीज़ पता है कि आप जैसे जैसे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस जो है पब्लिक सब कुछ जानती है, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, देशवासियों के लिए, युवाओं के लिए जो किया है, आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं ऐसा किया है। तो इसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और भरपूर प्यार मिलेगा उनके बयानों से या उनके गठबंधन से, कुछ नहीं होगा। वो अपना वोट खुद नहीं दे रहे, वो ऐसे ऐसे कैंडिडेट ढूंढकर लेकर आ रहे हैं जो कहते हैं देश के खिलाफ, जो आपने देखा होगा जो छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती जो देशद्रोही के नारे लगाते हैं, उन लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट बनाकर खड़ा करते हैं। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और मैं जनता से अपील करती हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुने और अपने सोच समझकर अपने वोट का प्रयोग करें। अभी क्या लगता है आपको कि जब ये 2024 में जीत कर आएंगे तो कुछ नए मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो बताएं? देखिए हमारे घोषणा पत्र में आप देखिए ना कितने, मतलब अभी आपने जैसे देखा होगा अभी तक हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी योजना का बनाया था, आने वाले उसमें हमारे 3 करोड़ महिलाओं का जो लखपति दीदी का आज मान योजना है, बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के प्रति जिनकी लाभ ले भी रही हैं बहनें, और आने वाले समय में और भी हमारी बहनों की जो है मतलब तादाद बढ़ेगी। और हम यहाँ पे मौजूद हैं कार्यकर्ता, उनसे जानेंगे। राहुल जी का एक नारा था कि उन्होंने कहा है कि हम 1-1 लाख रुपए साल में महिलाओं को देंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले भारत माता की जय। राहुल गांधी, पूरा देश इनको भूल चुका है, 70 साल इन्होंने देश को लूटा, उससे पहले अंग्रेजों ने लूटा। अगर किसी ने अच्छा काम करने की कोशिश की है तो वह नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मैं आप लोग निश्चित तौर पर बताता हूँ, एक विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, अगले 5 साल के अंदर वह पूर्ण भी होगा और नीचे से वो शुरू कर रहे हैं। एक नीचे पीछे पंक्ति में खड़े हुए हर व्यक्ति तक वो अपनी योजना को पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो तीसरी बार पुनः देश के प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं, और दक्षिणी दिल्ली से आदरणीय श्री रामवीर भिदुड़ी जी, 53 साल का इनको पास अनुभव,
मोदी जी ने स्वयं इनको यहाँ पर विकास और इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए भेजा है। ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय रामवीर बिदूड़ी जी निश्चित ही यहाँ से सांसद बनकर आएंगे और यहाँ की तस्वीर बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जैसे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। जैसे राहुल जी ने कह रहे हैं कि हम 1,00,000 रुपए देंगे, 1,00,000 रुपए वो सालाना देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि मोदी जी ने जो योजना बनाई है लखपति दीदी की, वो तो ऐसी योजना दी है जिसकी के ट्रेनिंग भी वो देंगे और बहनों के घर बैठे उनको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग सेंटर में जा करके मतलब उनको फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। और लखपति दीदी का नाम किस लिए दिया है? क्योंकि वो दीदी 1,00,000 रुपए महीने का कमा सकती है घर बैठे, और वो लखपति दीदी का नाम इसलिए लखपति योजना का नाम दिया है लखपति दीदी। तो लखपति वो उनको सालाना ही नहीं चाहिए, वो दीदी तो घर बैठे ही लखपति दीदी बन सकती है, इसलिए ही लखपति योजना का नाम दिया है। तो वो लोगों को ऐसा लखपति सालाना नहीं चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हमारे राहुल गांधी ने तो जो हमसे छोटे लोग उनको झुग्गियाँ दी हैं, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ने उनको झुग्गियों की जगह मकान दिए हैं, फ्लैट दिए हैं। ऐसा कोई और नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी ने किया है। हम सभी नरेंद्र मोदी को ही आगे लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विकास के मुद्दों पर जानना चाहते हैं। विकास का मुद्दा हर जगह चलता है, शिक्षा का। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के टाइम में ये सब नहीं है, क्या कहेंगे? अरे ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि आज से पहले मदरसों में आपने देखा था कि क्या किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, और जग जाहिर है कि किताब खाली होती थी जो एक धर्म के उसमें चलती थी। आज आप मदरसों में देखिए तो कंप्यूटर की शिक्षा मोदी जी पहुँचा दिए, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी का बहुत अतुलनीय कार्य है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिक्षा का क्षेत्र नहीं, अनेकों क्षेत्र में मोदी जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में एकमात्र नेता उभर के आए हैं। तो कोई वो अपनी पब्लिसिटी से या उससे नहीं, अपने कार्यों से उभर के आए हैं। तो ये तो निश्चित है कि हर कार्य उनके, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, स्वास्थ्य विभाग का आपसे पहले कितने एम्स थे पूरी इंडिया के अंदर, लेकिन आज देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्स की शुरुआत उन्होंने कर दी है। और ये 5 हमारे दिल्ली में तो खैर सरकार दूसरी है, जहाँ आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू हुई है, और उसके लिए भी कोशिश पूरी की जा रही है, पर यहाँ पर हो भी गया कि 70 साल के ऊपर 5,00,000 रुपए का सबका होना चाहिए तो होगा। तो ये विकास का कार्य हर जगह हो रहा है, केवल दिल्ली ऐसे हम लोग बड़े बदनसीब हैं कि यहाँ पर सरकार दूसरी है। बंद इसे भी ये है कि हम किसी प्रकार हमारे बुजुर्गों की पेंशन जो 3,000 हुआ करती थी, जैसे सरकार आम आदमी की आई वो पेंशन बंद हो गई, राशन कार्ड गरीबों के बना करते थे वो राशन कार्ड बनने बंद हो गए, एक राशन कार्ड नहीं बन रहा, एक पेंशन नहीं मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर शराब की नगरी बनाने का प्रयास हुआ है, लेकिन वो तो बीजेपी की ये महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है और बीजेपी के तमाम संगठन है जो उसका विरोध किए हैं, और विरोध के फलस्वरूप वो शराब का जो माफिया कारोबार था वो बंद हुआ है, और उसी के करप्शन में आज आपके 3-3, 4-4 मंत्री आप पार्टी के आज जेल की यात्रा कर रहे हैं। आज क्या था, उम्र सीमा घटा दी दारू पीने वालों की, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था करी थी, उनके उत्थान की व्यवस्था की थी, उनके पतन की व्यवस्था की, उनको पिंक शराब खाने उनके खोलने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आपको शराब कैसी पी जाएगी ऐसी व्यवस्था कर रहे थे। तो आप दूसरी व्यवस्था क्या देखें, ये तो सारी व्यवस्था पर उन्होंने पानी मारते हुए। और जो हमारे आज के यहाँ कैंडिडेट श्री रामवीर बिदूड़ी जी हैं, सदन में जिस समय वो बात कर रहे थे उस समय संबंधित मंत्री वहाँ पे हंस रहा था सदन के अंदर, और उसके बाद उन्होंने जोर शोर से कहा था कि अगर ये शराब घोटाला नहीं उजागर कर दिया, लोगों को जेल नहीं भेज दिया, तो राजनीति छोड़ देंगे। और वही फलस्वरूप हुआ कि सारे कार वो बंद हो गए, सारे ठेके वापस हो गए, सारे नियम वापस हो गया, और भ्रष्टाचार के अंदर आज यहाँ का मुख्यमंत्री आदमी कहेगा मुंह से, कोई कैमरा के सामने साफ नहीं कहना चाहते हैं, कोई किसी चीज कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की पक्का 7 सीट पार, बीजेपी की सीट पक्का पार। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया, और आगे हम और जानेंगे क्या है जनता की राय 25 मई को होने वाले चुनाव में। और कुछ पूछना चाहते हैं, मौजूद है हमारे सामने, क्या लगता है आपको 25 मई के बारे में कुछ बताइए। सर, जो सरकार काम अच्छा कर रही है उसके साथ हम लोग हैं, और जो परिस्थिति अभी हमारी इस गली की है, हर 10वें दिन आप आइए और गली की सिवरें भरी रहेगी, गली के सामने कचड़ा रहेगा, बारिश में आप यहाँ से चल नहीं सकते हो, अब ये हालत रहती है यहाँ की। बट जो अभी जो हम जो सरकार जो काम कर रही है हमारे साथ, जो बीजेपी सरकार ने काम किया है, जो चाहे वो हमारे गांव क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में,
सबके संग बहुत विकास किया है। एज पर मेरे नज़रिए से हमको जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसके साथ रहना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने हमको बस बखलाया है, कुछ किया नहीं उन्होंने। जैसे अभी उनका खुद का भी करे कांड सामने आ रहे होंगे आपके सामने कि ईडी को जवाब तक नहीं दे पा रहे हो, तो बस यही है जो हमारा विकास चाहेगी हम उसके विकास। ईडी ने तो बहुत कुछ छुपाया उनके बारे में, जब उन्होंने कहा अपना सब चिट्ठा खोल के दिखा दिया कि ये जो पैसा फंडिंग हुआ ये बीजेपी का फंडिंग हुआ 2022 में दिखा दिया, फिर भी नहीं सर। अब एक बात बताइए, अभी जो केजरीवाल जी ने किया एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री, क्या वो हमारे देश हित के लिए था? नई यूथ के लिए था? जो बंदा एक पौवा एक क्वार्टर दारू पीता था उसको उसने दो के मजबूर कर दिया, क्या ये हमारे जो नई यूथ आ रहा है उसके लिए बेनिफिशियल है? हमारे लिए तो बेनिफिशियल नहीं है। चाहे हमको वो एक एक का चार कर दे तो भी हम भी नहीं लेते, चाहे वो बिजली बिजली फ्री पानी फ्री। जब जो बंदा 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है या जो एक 20,000 25,000 30,000 की सैलरी अफोर्ड करवा रहा है, क्या वो बिजली का बिल नहीं दे पाएगा? टैक्स पेड नहीं कर सकता है? हम बात करते हैं विदेशों से कि हम लोग विदेशी सरकार ये है वो इतना अपडेटेड है, तो क्या हम लोग उस जो हम जो टैक्स पेड कर सकती है वो टैक्स पेड नहीं कर सकती? ये आम आदमी जो है ये रखा था कि जो गरीब हैं लोग जो निचले स्तर पे हैं उनको हम बिजली पानी फ्री देंगे, लेकिन स्तर पे क्या है, क्या है निचले स्तर? 10,000 भी नहीं कमा पाते सर। आज के डेट में 10,000 कौन नहीं कमा रहा है आप बताओ? जो 10,000 नहीं कमा रहा था दिल्ली में आता? आप एक ये तो बोलने वाली बात है, 10,000 नहीं कमा पा रहे हैं। 10,000 आजकल की डेट में नरेगा में जो काम कर रहे हैं गाँव में वो भी अच्छे उससे ज़्यादा कमा रहा है 10,000। ये बोलने वाली बात है कि 10,000 नहीं कमा रहा है? आप जाए जो दिल्ली में रह के 10,000 नहीं कमा पाए उसको सीधे गाँव जाना चाहिए और नरेगा जो मोदी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें काम करके 10,000 से ज़्यादा कमा लेगा। और हर किसान के लिए हर 3 महीने में 2,000 रुपये देते हैं वो, तो हम तो चाहेंगे कि आपके मोदी की 400 पार नहीं 450 पार होनी चाहिए। लेकिन राहुल जी ने कहा है कि अगर मैं आपके हमारी सरकार आती है तो हम हर महिला को 1,00,000 रुपये देंगे साथ। वो कहाँ से देंगे, वो क्या वो कहाँ से लाएंगे 1,00,000 रुपये? हैं जी, फिर विकास नहीं होगा। अपने घर में खर्च करूँ, अगर मेरे को फ्री का मिलेगा तो मैं वैसे शराबी जुआरी बन जाऊँगा भाई। ऐसा है ना, हम नहीं चाहते कि मतलब राहुल आए या आम आदमी आए, हम चाहते हैं कि मोदी आए देश के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। फ्री कोई नहीं देता है, आप जो फ्री की बात करो, अगर मुझे फ्री मिल जाए ना तो मैं समझो एक नलायक आदमी हूँ, बेकार आदमी हूँ। जो फ्री ले रहा है वो नलायक है, वो किसी काम का आदमी नहीं है। देश का हित पहले, सबसे पहले देश बड़ा है। अगर यह देश सुरक्षित है, हमारा सारा परिवार सुरक्षित है। बात देश की होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरी पार्टी की बात होनी चाहिए। मैं ही राजा बनूँ, बाकी कोई बने ही ना, मैं मेरा ही घर चले, मेरा ही परिवार चले। की जनता को वोट के याद करते हैं, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता है। फ्री वाले सवाल पे आपसे पूछता हूँ, राशन फ्री मिल रहा है, क्यों ले रही जनता? जनता राशन फ्री इसलिए ले रही, वो सरकार की उस टाइम ऐसी कंडीशन में जो कोरोना आया तो जब उन्होंने जनता भूखी मर रही थी उस टाइम 2 महीने लोग घर में गए, एक दिन की स्ट्राइक करने में गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपये का घाटा होता है। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड के जो टीके लगवाए हैं, उनको हार्ट अटैक से बीमारी से मौत हो रही है। भाई साहब ऐसा है, देखो जी, अब तुम गलत सेवन करोगे, गलत चीज़ें खाओगे। अब जिसकी ऐसा तो है नहीं कि हमारा सारा देश हार्ट अटैक में ही मर गया। कुछ लोगों को तो हुआ है कि ब्लड कैंसर होता है, किसको पता नहीं होता है मेरे अंदर क्या बीमारी की। रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि वो लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई जिनके ये इंजेक्शन लग चुके। अगर वो कौन सी कंपनी लगाए, फिर उस कंपनी से गवर्नमेंट हर्जाना ले जिस कंपनी ने बनाई है। अगर गवर्नमेंट प्रूव कर रही है कि इस कंपनी ने लगाए, अगर मैं कसूर बाज तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, अगला भी कसूर करेगा। गवर्नमेंट उस कंपनी ने अगर मानती है कि मेरे वजह से मरे हैं लोग, तो गवर्नमेंट उस कंपनी में जुर्माना लगाई।